अस्सलामुअलैकुम क्लास टू उर्दू के 11वें लेक्चर के साथ मैं मिस नाज़रीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब गिनना नज़र आ रही है, इस किताब को खोलिए। और हमने कल की क्लास में आपको सबक पढ़ाया था आओ झूला झूले, इसके मैंने आपको अल्फाज मुस्तदाद करवाए थे, इसमें आपको जो है सवाल जवाब करवाए थे और इसकी सरगर्मी करवाई थी। सही है, ये सब मैंने करवाया था आपको। इसके चार सवाल करवाए थे, अल्फाज मुस्तदाद करवाए थे और दो बच्चों की कहानी बताई थी, ज़ारा और अली की, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ किस तरीके से बाजार पार्क में घूमने जाते हैं। और फिर मैंने आपको अपने अपने इलाके के तीन पार्कों के नाम बताए थे, सफारी पार्क, सिंदबाद, अलादीन पार्क, है ना, ये सब बताया था आपको। अब इस वक्त जो हम काम करेंगे वो हमारा काम क्या होगा बेटा, ये देखें बोर्ड के ऊपर आपका काम चल रहा है। आप हम करेंगे काम, दर्ज ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाइए। सही है, हम इस तरह लिखेंगे, आप अपनी कॉपी निकालें, क्लास वर्क कॉपी, और क्लास वर्क कॉपी में अपनी कॉपी पे आज की डेट लिखिए, 28/4/2021। सही है, ये डेट लिखने के बाद फिर आप रेड लाइन जो होती है उसके नीचे आप ब्लू पेंसिल से लिखेंगे दर्ज ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाइए। सही है, ये मिला मिला के लिखेंगे, हर लफ्ज़ के बाद वन स्पेस का, वन फिंगर का स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे पूरा जुमला लिखेंगे दर्ज ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाइए। फिर उसके नीचे स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे स्केल के बराबर की, और उसके बाद एक कॉलम में आप अल्फाज की हेडिंग डालेंगे जैसे मैंने डाली हुई है, और एक में आपने जुमले की हेडिंग डालेंगे जैसे मैंने डाली हुई है। सही है, इस तरीके से आप करेंगे। फिर क्या होगा, फिर आप जो है पहला लफ्ज लिखेंगे चक्कर। सही है, चक्कर यानी कि घूमना, चक्कर का मतलब होता है घूमना गोल गोल, जिसमें जो है आप घूमें खूब ना, चक्कर लगाएं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे साइकिल पे बच्चे चक्कर लगाते हैं, गली का चक्कर लगाते हैं, मैदान का चक्कर लगाते हैं। सही है, या बच्चे को लेकर जो है गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं, इस तरह ही चक्कर पहला जुमला है। इसमें इसका जुमला मैंने क्या बनाया है, मैं साइकिल पर रोज़ चक्कर लगाता हूँ। ये लड़के करते हैं, लड़कियाँ भी घर में साइकिल चलाती हैं, छोटी वाली साइकिल जो उनको गिफ्ट में मिली होती है या उनके भाई की होती है, तो उस पर बैठ के वो पूरे कमरे में पूरे घर में साइकिल पर चक्कर लगाती हैं। तो ये जुमला क्या है, मैं साइकिल पर रोज़ चक्कर लगाता हूँ। आप कोई दूसरा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जुमला बनाया है वही आप लिखें। दूसरा लफ्ज़ है गोल, गोल जिसे हम सर्कल बोलते हैं, दायरा बोलते हैं, गोल। अम्मी गोल रोटी पकाती हैं, जब हम खाना खाते हैं और रोटी पकती है तो अम्मी कैसी रोटी पकाती हैं, गोल रोटी पकाती हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, कैसी रोटी पकाई है, क्या दुनिया के नक्शे बनाए हैं, कैसी गोल टेढ़ी मेढ़ी रोटी है। तो जो गोल रोटी बनती है वो अच्छी लगती है और खाने में मज़ा आता है, और देख के दिल चाहता है कि क्या खूबसूरत रोटी पकाई है। तो गोल का मैंने क्या जुमला बनाया, अमीर गोल रोटी पकाती हैं। तीसरा लफ्ज़ है गुदगुदी, गुदगुदी से क्या होता है, कोई अगर आप घर में बैठे हुए हैं अपनी बाजी के या अब्बू के या अपनी भाई के पेट में आप हल्के से उंगलियों को यूं यूं करेंगे तो उनके पेट में गुदगुदी होने लगेगी, और फिर वो हंसने लगेंगे, कहेंगे हटो भाई हटो, हटाओ हाथ, क्या कौन कर रहा है ये, हटो चलो, उसको हाथ से दूर करने लगेंगे। गुदगुदी होती है, इससे हंसी भी बहुत आती है और फौरन दिल जाता है जो गुदगुदी कर रहा है उसको हटा दिया जाए। बच्चों को हंसाने के लिए उसके पेट में गुदगुदी की जाती है, उसके पेट में उंगलियों से उसको गुदगुदाया जाता है तो वो हंसता है बच्चा। तो ये छोटा जो बच्चा होता है, अगर आप उसके पेट वो बिल्कुल सही है, दूध वूध पिया हुआ है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उसके पेट में हल्के हल्के से उंगली करेंगे तो वो गुदगुदी होगी उसको और वो हंसेगा ज़ोर ज़ोर से। तो जुमला क्या है, पेट पर हाथ लगाने से गुदगुदी होती है। फिर चौथा लफ्ज़ है डर, डर 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 जो है इंसान को बहुत लगता है, बहुत सारी चीज़ों से इंसान डरता है, जिनों से, भूतों से, अंधेरे से, बहुत सारी चीज़ों से लोग डरते हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बहादुर लोग होते हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते।
क्योंकि अल्लाह के अलावा सिर्फ हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि बाकी लोग बाकी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ हमें डराने के लिए होती हैं। तो आप डर का जुमला बनाएंगे, मुझे ऊपर देखने से डर लगता है। सही है, कुछ लोग होते हैं नीचे खड़े में और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, जैसे आप सदर में जाएं तो वहाँ पे हबीब बैंक प्लाज़ा है। ये हबीब बैंक प्लाज़ा पता है आपको कितने कितनी मंजिलों का है? 100 मंजिलों का है, उसमें 100 मंजिलें हैं, सबसे बड़ा प्लाज़ा है वो पाकिस्तान का। उसको आप ऊपर देखेंगे तो आपको देख कर डर लगेगा कि अगर हम उससे पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के जब नीचे देखेंगे जब भी डर लगेगा, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो भी डर लगेगा। तो डर का जुमला क्या है? मुझे ऊपर ऊपर से देखने पर डर लगता है। अगर मैं ऊपर पहुंच जाऊं 100 मंजिलों पे और वहाँ से मैं नीचे देखूं रोड के ऊपर, तो कैसा डर लगेगा कि अगर किसी ने धक्का दे दिया, या देखने से ही चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है ना। तो ये जुमले जो है इस तरीके से, अगर आप कोई और जुमला बनाना चाहें तो आप वैसा जुमला बना लेंगे, लेकिन ये जुमले मैंने बनाए हैं ये आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। और आप जो दूसरे अगर कोई जुमले बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। मेरी जुमलों के अलावा अगर कोई अपने पास जुमले बनाता है तो फिर मैं उसको जो है एक्सीलेंट दूंगी अच्छे जुमले बनाने के ऊपर। सही है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अगर आप इन जुमलों को जो मैंने बनाए हैं इनकी जगह अगर आप अपने जुमले अपने पास से जुमले सोच के बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, उस पर आपको एक्सीलेंट मिलेगा। सही है, ठीक है, सबकी बात समझ में आ गई। आप ये 4 जुमले बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 110 खोलेंगे। क्या खोलेंगे? सफ़ा नंबर 110 खोलेंगे। ये देखें आपकी किताब में सफ़ा नंबर 110 110। अब आप क्या करेंगे, ऊपर इस पे यहाँ पर आप आज की डेट लिखेंगे 28/4/2021। सही है, ये आपने डेट लिख दी। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वक्त बताइए। सही है, आपको वक्त बताइए। इंग्लिश में आपकी मिस जोहरा ने आपको बहुत अच्छा सा टाइम वक्त देखना बताया है, वक्त मैनेजमेंट का आपके क्लास में चार्ट बना हुआ रखा है। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि उर्दू में वक्त जो है कैसे, आप उर्दू में वक्त देखकर कैसे बताएंगे। अब देखें ये क्या हो रहा है, इस तस्वीर में हम नंबर 1 डाल देंगे, नंबर 1, इसमें 2 डाल देंगे, इसमें 3 डाल देंगे, इसमें 4 डाल देंगे। सही है, ये हमने 4 तस्वीरों पे 4 नंबर डाल दिए। अब नंबर तस्वीर नंबर 1 में लिखा है, ये देखें घड़ी बनी हुई है, घड़ी में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 6 बिल्कुल आमने सामने होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर और 9 और 3 आमने सामने होते हैं। सही, ये आपकी घड़ी पहली घड़ी है, 1 से लेकर 12 तक की, दिन के 12 घंटे होते हैं और फिर रात के 12 घंटे होते हैं, 12 और 12 24 घंटे का एक दिन होता है। सही है, जो हमें घड़ी बताती है। अब देखें ये पहली तस्वीर में क्या बना हुआ है, स्कूल की बस है और बच्चा स्कूल की बस में चढ़ने के लिए आ रहा है, सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे शाम की स्कूल बस आती है, यानी 8 बजे शाम एक बच्चा है उसकी स्कूल की बस आती है, और ये देखें 8 बज रहे हैं, छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। आपको पता है घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक बड़ी सुई होती है मोटी सुई, एक उससे पतली सुई होती है जो मिनट की सुई होती है, और एक जो होती है बिल्कुल बारीक सुई होती है जो सेकंड की सुई होती है। सही है, मिनट, घंटा और सेकंड, ये 3 किस्म की सुइयां होती हैं, जो मिनट सेकंड की सुई हर वक्त पूरे वक्त चलती रहती है, टक टक टक। अगर आप बिल्कुल खामोशी से कमरे में बैठे हैं तो आपको कमरे के अंदर घड़ी की सेकंड वाली सुई की टक टक आपको सुनाई देगी, और जैसे ही घड़ी की टक टक 1 से शुरू होती है 12 के बाद से शुरू होती है, 1 पे आती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या होता है, 1 मिनट हो जाता है, फिर थोड़ा से जो बड़ी सुई है वो आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरा मिनट होता है, तो एक मिनट में 60 एक
मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये क्या बता रहा है, सुबह के 8 बजे हैं, शाम की स्कूल बस आती है, शाम के स्कूल की बस आती है। अब हम दूसरी तस्वीर में जाते हैं, ये तस्वीर नंबर 2 है। इसमें क्या हो रहा है, घड़ी में देखें, दूसरी घड़ी में हो रहा है 12 के ऊपर सुई है काली वाली और 2 पे ऊपर सुई है। तो जो छोटी सुई होती है रेड वाली, ये होती है घंटे की सुई, सही है, और ये होती है ये घंटे की, मिनट की और सेकंड की, सही। ये रेड वाली मिनट की है, घंटे की 12 काली वाली है। जो 12 पे आती है तो एक घंटा होता है, 6 पे आती है तो आधा घंटा होता है, सही है। अब ये क्या हो रहा है, दोपहर 2 बजे हैं, ये क्या बज रहे हैं, 2 के ऊपर रेड सुई है, छोटी वाली सुई है, और बड़ी सुई जो है वो किसके ऊपर है, 12 के ऊपर है, और जो सेकंड की सुई है वो पूरी 12 के ऊपर है। इसका मतलब है वो दो के ऊपर 12 के ऊपर है और 2 के ऊपर रेड सुई है। तो ये क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, शान खाना खाता है। जब स्कूल से जाते हैं तो क्या होता है, हम कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर या नहा कर दोपहर का खाना खाते हैं। तो शान बच्चा जो है ये 2 बजे खाना खाता है। अब हम आते हैं तीसरी तस्वीर के ऊपर, सही है, ये तीसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर में क्या हो रहा है, तीसरी तस्वीर में देखें, ये घड़ी बनी हुई है और बड़ी रेड सुई जो है वो किसके ऊपर है, वो रेड सुई है 5 पर, और बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, और सेकंड की सुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये के वक्त क्या बज रहा है, 5 बज रहे हैं, और 5 बजे क्या होता है, शाम के 5 बजे शान पार्क में खेलता है। वो पार्क जाता है अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले के बच्चों के साथ, अपने कज़न के साथ जाकर पार्क में खेलता है 5 बजे के करीब। इसके बाद चौथी तस्वीर पे आते हैं, चौथी तस्वीर में क्या बता रहे हैं, छोटी सुई रेड वाली सुई किस पे है, 10 पर है, और बड़ी सुई 12 पर है। तो इस वक्त क्या बज रहा है, 10 बज रहे हैं, रात के 10 बजे हैं, और शान सो जाता है 10 बजे, शान क्या कर जाता है, सो जाता है। अब इसके दिन की रूटीन क्या है, सुबह 8 बजे उठ जाता है, शान के स्कूल की बस आ जाती है, स्कूल चल जाता है, फिर दोपहर में 2 बजे घर वापस आके खाना खाता है, फिर शाम के 5 बजे शान पार्क में खेलता है, और रात के 10 बजे शान सो जाता है। अब आप लोगों की भी एक रूटीन होगी, आप सुबह किस वक्त उठते हैं, किस वक्त स्कूल आते हैं, फिर आप दोपहर में घर जाकर किस खाना खाते हैं, फिर शाम में कौन सा टाइम आपके खेलने का होता है, और सोते कब हैं आप, सही है। ये आपको समझ में आ गई होगी, दो सुइयां आपको समझाई हैं, एक मिनट की और एक घंटे की, सही है। मिनट की सुई रेड कलर की है और घंटे की सुई ब्लैक कलर की है, सही है। देखिए इसमें बज रहा है 8 बज रहे हैं, रेड सुई लाल रंग की सुई 8 पर है और ब्लैक सुई 12 पर है, जिसका मतलब है 8 बज रहे हैं। दूसरी सुई में रेड सुई 2 पर है और बड़ी सुई का ब्लैक सुई 12 पर है, तो ये 2 बज रहे हैं। तीसरी घड़ी में रेड सुई 5 पर है और ब्लैक बड़ी सुई 12 पर है, तो ये 5 बज रहे हैं। चौथी तस्वीर में छोटी रेड सुई 10 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो इस वक्त 10 बज रहे हैं, सही है। ये आपको समझ में आ गई चाहे चारों तस्वीरें। इस तरह आपने अपना लिखना है कि आप कितने बजे उठते हैं, किस वक्त आप स्कूल से वापस आते हैं, कब आप शाम में खेलते हैं और कब आप रात में सोते हैं। ये 4 टाइम आप इस तरह लिखेंगे, आप घड़ी बनाएंगे, इस तरह घड़ी बनाएंगे, और घड़ी बनाकर उसमें आप जो है अपना टाइम बताएंगे कि आप किस वक्त स्कूल के लिए निकलते हैं, किस कब आप स्कूल से आके खाना खाते हैं, शाम में आप किस वक्त खेलते हैं, और रात में आप कब सोते हैं। ये आप काम करेंगे, और फिर क्या है, ये देखें, ये वाला काम आप इस तरह करेंगे, और फिर ये नीचे इसी पेज पे लिखा है, लिखिए। अब देखें इस घड़ी में क्या हो रहा है, लाल सुई 9 पर है और ब्लैक सुई 12 पर है, तो ये क्या बज रहा है, इस वक्त 9 बज रहे हैं। तो आप इसके ऊपर हाथ फेर लेंगे, 9 बजे
नौ बजे हैं। अब दूसरी सुई है, इसमें क्या हो रहा है, क्या बजा है, दूसरी सुई में देखें, लाल सुई तीन पर है, नहीं लाल सुई दो पर है और बड़ी सुई बारह पर है, तो इधर इस वक्त क्या बज रहा है, दो बजे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दो बजे हैं, दो बजे हैं। फिर तीसरी सुई पे आएंगे, लाल सुई किस पर है, तीन पर है और बड़ी सुई किस पर है, बारह पे है, तो इस वक्त क्या बज रहा है, तीन बजे हैं, तीन बजे। सही है, तीसरी सुई में क्या बज रहे हैं, तीन बजे हैं। सही है, छोटी लाल सुई तीन पर है और बड़ी सुई ब्लैक पर है, ब्लैक सुई बारह पर है, तो तीन बजे हैं। अब चौथी उसमें देखेंगे, लाल सुई जो है एक पर है और बड़ी सुई बारह पर है, तो अब इस वक्त इसमें बज रहा है, एक बजा है। सही है, ये वाला काम आपने कॉपी में करना है, हेडिंग डालेंगे, वक्त बताइए और वक्त बताइए बताइए के बाद ये चारों सुइयां जो हैं, जो नीचे वाली करवाई हैं लिखिए वाली सरगर्मी में, ये आपने बनानी है और इसमें आपने टाइम लिखना है। सही है, जो जो टाइम लिखा है, नौ बजे हैं, बारह बजे हैं, दो बजे हैं, तीन बजे हैं या एक बजा है, ये आपने इसके अंदर लिखना है। और जो ऊपर वाली सरगर्मी है वो आपने किताब में कर ली है, जब चेकिंग के लिए आएगी तो किताब में देख लिया जाएगा, उसको मैंने सबको समझाने के लिए आपको बताया था। और नीचे वाली जो है ये आप कॉपी में करेंगे, हेडिंग डाल के वक्त बताइए और ये चारों घड़ियों को बता के आप वक्त बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ हुआ है। सही है, जो लिखा हुआ है इसमें वो ये आप वक्त जो है इसके अंदर आप जो है घड़ी के नीचे लाइन डाल के आप लिखेंगे। सही है, सब बच्चों की समझ में आ गई, घड़ी बिल्कुल अच्छी सी बनाइएगा, प्रकार से या गोल उसको चीज लेकर उससे पहले घड़ी के दायरे बनाइएगा, फिर उसमें नंबर लिखिएगा वन से एक से लेकर बारह तक, और सुइयां बनाइएगा तीन। सही है, एक ब्लैक सुई बनाइएगा, एक रेड सुई बनाइएगा और एक जो है रेड सुई ऐसी होगी जो पूरे में जो मिनट की सुई होती है वो बारीक सुई बनाइएगा, इस तरीके से आप ये बनाएंगे और ये काम अपनी कॉपी पे कर लेंगे और जिसका हो जाएगा वो मुझे दिखाएगा। अब वक्त ख़त्म हो